अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू न्यू वैकेंसीज, न्यू जॉब्स आई हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023। तो इसमें जो है कौन सी वैकेंसीज़ हैं और किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका सारा जो प्रोसीजर है हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में कौन सी पोस्ट मेंशन है और उसके अलावा कैसे हम इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं। उसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है डिफरेंट वैकेंसीज मेंशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है और इसकी जो लास्ट डेट भी मेंशन है 24 जुलाई 2023। अब इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो अगर हम इसमें पहली पोस्ट देखें तो उसमें फिर डिफरेंट वैकेंसीज है, यानी एक पोस्ट पहला मेंशन है, फिर उसमें जो है वैकेंसीज मेंशन है कि उसमें कौन सी वैकेंसीज हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर ये देखें क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो सेकंड क्लास आर ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और एज लिमिट 20 to 28 years और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करें तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, इनकी जो डिटेल्स हैं वैकेंसीज की, कहाँ कहाँ किस किस मतलब डिपार्टमेंट में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 9 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा जो है MO क्लाइमेट चेंज में 2 वैकेंसीज हैं। चीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है एक वैकेंसी है। परमानेंट डायरेक्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन MO डिफेंस में एक वैकेंसी है। कॉप्स ऑफ E&ME में 2 वैकेंसीज हैं। फेडरल में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में जो है 25 वैकेंसीज हैं। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में 1 है और इसके अलावा इंटर प्रोविंशियल और फाइनेंस में जो है 2-2 वैकेंसीज हैं। पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट में 5 हैं। इंटीरियर में 3 हैं। रेलवे बोर्ड में रेलवेज में 33 हैं। कम्युनिकेशन में 1 है। उसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स में 2 हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में 1 है और जो है कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान में 1 है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 2 हैं और प्लानिंग में 25 हैं। उसके अलावा FM&DC में 2 हैं और पॉलिसी विंग पेट्रोलियम में 2 हैं। उसके अलावा जो है प्राइवेटाइजेशन में जो है 2 हैं वैकेंसीज़। उसके बाद जो है हम डिफेंस प्रोडक्शन में 6 वैकेंसीज़ हैं और उसके अलावा जो है नेवल हेडक्वार्टर डिफेंस में 2 है, 9 वैकेंसी है। उसके अलावा इनकी यहाँ पर कोटा भी मेंशन है कि किसका कोटा कितना है, तो इस हिसाब से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल MO 2 टोटल यहाँ पर जो इसकी वैकेंसीज़ बनती हैं वो 189 वैकेंसीज बनती हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। तो यहाँ पर मेंशन है ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फॉर ऑल द अबोव मेंशन वैकेंसीज एंड फी आल्सो बी डिपॉजिटेड वंस, ठीक है। तो एक बंदा एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है एट ए टाइम। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के बाद हमारे पास जो दूसरी वैकेंसी है उसकी लेक्चरर BPS 17 है, जिसमें परमानेंट फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, इसमें जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है कि कितनी वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 हैं, जिसमें डोमिसाइल कोटा भी जो है पंजाब और उसके अलावा बलूचिस्तान और जो है वो बस पंजाब और बलूचिस्तान का यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा ये टोटल 130 पोस्ट नंबर या वैकेंसी नंबर जो अगर हम देखें तो ये 130 है। उसके अलावा नीचे आते थे लेक्चरर 17 के बाद हमारे पास जो है नंबर 131 है, जिसमें जो है वाइस प्रिंसिपल फीमेल BPS 18 है। फिर है 132 में फिजिकिस्ट और रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर BPS जो है 16, इसमें एजुकेशन भी मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा 133 में हम देखें सेकेंडरी स्कूल टीचर SST जो कि फीमेल के लिए है BPS 17, जिसमें परमानेंट FG स्कूल स्टार डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो इसमें जो है फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसमें वैकेंसीज 5 हैं टोटल। उसके अलावा जो अगर हम देखें प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, फिर है असिस्टेंट चीफ BPS 18। उसके अलावा जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है। डोमिसाइल कोटा खैबर पख्तूनख्वा का है और नोट अपर एज लिमिट इज़ फ्लेक्सिबल बाय 10 years फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स ऑन सबमिशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो वैसे तो 5 years होती है एज रिलैक्सेशन, लेकिन डिसेबल के लिए जो है वो 10 साल कर दी गई है। डायरेक्टोरेट इकोनॉमिक्स लॉ BPS 19 है, इसमें जो है वो 19 ग्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो हाईली
क्वालिफाइड होंगे मास्टर्स और PhD इस तरह। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर हज के लिए परमानेंट डायरेक्टोरेट ऑफ हज मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इसमें इन सभी सारी वैकेंसीज़ में जो है ना वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सिवाय जो है पहली वैकेंसी हमने जो अनाउंस की मैंने असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और उसके अलावा लेक्चरर जो है 16 और असिस्टेंट, इसके अलावा बाकी जो 17 और 18 ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं उनमें जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 5 ईयर्स का या फिर 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है। लायन ऑफिसर है, लाइब्रेरियन मेल है, BBS है 17, ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल, BPS 16, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंट, ठीक है, तो एनीवेयर इन पाकिस्तान। इसकी ये क्वालिटी होती है कि प्लेसिंग जो होती है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, ठीक है, कोई भी जो है मेंशन को नहीं होता, फिर वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या पता आपके इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो तो वो आपको उस लिहाज से प्रेफरेंस दें कि आपकी पोस्टिंग जो है वहाँ हो जाए, अगर आप ये सारा प्रोसेस इसकी रिटन टेस्ट क्लियर कर देते हैं और उसके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। तो ये इसका फर्दर हम इसको अगर स्क्रॉल करें तो फर्दर हमारे पास और भी वैकेंसीज हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर FA BS 17 है, लाइब्रेरियन BPS 17 है, और उसके अलावा 142 तक हम पहुँचे हैं, 143 में भी हैं, 144 वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारी जो है पोस्ट आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं डिटेल से, क्योंकि मैं डिटेल से रीड नहीं करता, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप जो है इसको पूरे ऐड को पढ़ें। मैं ये ऐड भी शेयर कर दूँगा ताकि आप इस ऐड को जो है सही से शेयर पढ़ सकें और रीड कर सकें। उसके अलावा सीनियर लाइब्रेरियन है, BPS 18 है, जिसमें जो है परमानेंट रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BPS 17 है, ठीक है, टेम्प्ररी लाइकली टू कंटिन्यू चीफ CAO ऑफिस GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। उसके अलावा जो है हमारे पास डायरेक्टर जो है BS 719 परमानेंट मैनेजमेंट सर्विसेज विद विंग कैबिनेट सेक्रेटरेट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या SCMA, SCCA वगैरह होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर बायोसेफ्टी BPS 17 परमानेंट पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी PAKIPA इन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड इसमें भी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए या सेकंड क्लास और ग्रेड सी डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन है, BPS 18 की वैकेंसी है। तो ये जो है टोटल 150 यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने वैकेंसीज़ जो है रीड कर दी हैं कि हाँ 150 टाइप की जो है वैकेंसीज़ हैं, जिसमें फिर अलग से अंदर जो है वो पोस्ट हैं डिफरेंट, ठीक है, ये वैकेंसीज़ टाइप हैं कि किस में कितनी हैं, किस में कौन सी टाइप की वैकेंसीज़ हैं और फिर उनमें अंदर कितनी पोस्ट हैं वो अलग से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अगर इंस्ट्रक्शन हम देखें तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल रूल्स है। यहाँ पर एडमिशन फीस की मेंशन है के BPS 16 टू 17 की 300, 18, 19 वालों की फिर डिफरेंट है। उसके अलावा रिलैक्स एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया कि वो रूल्स के तहत लिया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू जो भी मतलब ये क्लियर करेगा तो वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पर जिसमें NIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD यानी सारी डिग्रीज होनी चाहिए। और विदिन 15 डेज ऑफ नोटिस फ्राम FPSC बाई पोस्ट SMS एंड ईमेल, अगर आपको ये सारे रिसीव हो जाता है आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी ये जो टेस्ट है क्लियर हो जाती है तो आपने 15 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। वेर एवर एक्विवेलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री इज़ टू बी क्लेम्ड बाई अ कैंडिडेट, ठीक है, आपको जो है सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए डिग्री का। एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए आपने जो है एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ FPSC के से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे तो आपकी स्लिप जब आएगी। कंडक्ट ऑफ टेस्ट जो है इसका जो प्रोसीजर है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आप जो है चेंज अपना सेंटर जो है चेंज नहीं कर सकते अगर लास्ट डेट गुजर जाती है टेस्ट सेंटर। तो इसकी अप्लाई करने की ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो 24 है। हम यहाँ पर जो है इसको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें हम सेलेक्ट जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा NIC है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक स्लिप है। तो इसका ये रूल है कि पहले आपने स्लिप जो है फीस पे करनी होती है, उसके बाद ही आपका जो है चालान फिल हो सकता है और उसके बाद आपका जो है फॉर्म फिल हो सकता है। जैसे आपने चालान पीछे जो ऑप्शन आ रहा था चालान का, तो वहाँ से चालान डाउनलोड करना है, उसके बाद चालान की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख के उसके बाद यहाँ पर आपने ये सारा फिल कर देना और सबमिट टू नेक्स्ट स्टेप आपने जाना है और ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो आपने फिल करनी है। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब my channel। Allah Hafiz।